हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ भाग्यश्री वानखेड़े वेलकम्स यू फॉर द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फ्रॉम द सब्जेक्ट डिजिटल टेक्निक ऑफ द टॉपिक डाटा कन्वर्टर्स. दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू R2R DAC. R2R DAC का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसको ऑलरेडी एक टाइप बाइनरी वेटेड रजिस्टर हम दे चुके हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द बाइनरी डेटा और डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा. सो दिस इज़ द अनादर टाइप ऑफ DAC, दैट इज़ R2R रजिस्टर. द कोर्स आउटकम रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज़ टेस्ट डेटा कन्वर्टर्स एंड PLDs इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. The learning outcome means after completion of this topic, you will be able to understand the meaning of data converter and its need, understand the types of data converter and working of R2R data converter. अब binary weighted register में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम binary data को, that is 1010 को हम analog form में convert कर देते हैं, जिसमें हम रजिस्टर की वैल्यू जो होती है एक आर लेते हैं, फिर 2R लेते हैं, फिर 4R लेते हैं, फिर 8R लेते हैं. इस टाइप से हमने उसका वेट बढ़ाते हुए जाते हैं. लेकिन R2R लैडर में जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज जस्ट R एंड ट्वाइस ऑफ R. नाउ दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ R2R लैडर. तो इसमें खासियत ये है कि इट इज़ अ एम्पलीफायर मोड ऑफ द ओपैम. दिस इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इसका आउटपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. और इसके नॉन इन्वर्टिंग में हमने इनपुट लगाया हुआ है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम इनपुट लगा रहे हैं, इसका मतलब ये जो फीडबैक दिया है इट इंडिकेट्स इट इज़ एम्पलीफायर. ठीक है, एम्पलीफायर क्यों? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल पर फीडबैक वापस आ रहा है. और इनपुट कौन से टर्मिनल पर दिया हुआ है? पॉजिटिव पे. इसलिए इसको कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि पॉजिटिव साइन को नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है और निगेटिव साइन को इन्वर्टिंग कहा जाता है. सो जिस साइन पे हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं उस टाइप का वो एम्पलीफायर बन जाता है. तो दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मोड. अब आप यहाँ पे खासियत देखिए कि नॉन इन्वर्टिंग के साथ पहले 2R ज्वाइन है, उसके बाद में R है, वापस 2R, फिर R, फिर 2R, R, 2R, और लास्ट में जो बिट रहेगी. अब ये जो एग्जांपल लिया है हमने 4 बिट के लिए लिया है, इसलिए हर 2R के साथ में एक एक बिट हमने कनेक्ट कर दिया है. जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रहेगी वो फर्स्ट 2R के साथ में रहेगी और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए लास्ट वाला 2R काम में आएगा. तो ये 4 बिट है, इसीलिए लास्ट वाला 2R के पैरेलल में हमको फिर से एक 2R लगा के उसको ग्राउंडेड कर देना है. अगर ये 5 बिट वाला रहेगा तो हमको 5 ऐसे रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, फिर से यहाँ पे एक R आएगा, फिर ये 5वां 2R आएगा, उसके बाद फिर से एक 2R आएगा. सो जनरली वी आर कन्वर्टिंग और वी आर स्टडिंग द DAC फॉर द 4 बिट. ठीक है, तो आप कोई भी बिट के लिए ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं. तो अभी स्पेशलिटी देखिए कि ये D3 है, यहाँ पे पहला बिट दिया है, D2 है, दूसरा बिट D1, तीसरा बिट और D0 लास्ट वाला बिट. यानी 1010 अगर मुझे देना है तो यहाँ पे मुझे 1 देना पड़ेगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, क्योंकि MSB से स्टार्ट करना है हम लोगों को. 1010 में MSB कौन है? 1. इसलिए हम 1 यहाँ पे देंगे, 0, फिर 1, फिर 0. फिर हमको ओवरऑल वोल्टेज यहाँ का निकालना है, और ओवरऑल वोल्टेज निकालने के लिए हम सुपर पोजिशन थेरम यूज़ करते हैं. और स्पेशलिटी ऑफ सुपर पोजिशन थेरम ये होती है कि जितने भी वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एट अ टाइम सिर्फ एक ही वोल्टेज एक्टिव रहेगा, बाकी सबको हमको जीरो रखना है. आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सुपर पोजिशन थेरम पढ़ा है, जिसमें हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही वोल्टेज को एक्टिव रखते हैं ना. तो हम देखेंगे 1 by 1 कि हम कैसे जो भी हमारा डेटा रहेगा डिजिटल उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग में. सो यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करने वाले हैं. अब यहाँ सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ से ओपैम को हटा दिया है और ये सेम कॉम्बिनेशन लिया है, 2R R 2R R 2R R 2R, और ये लास्टली फाइनली 2R. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं D3 पे कुछ वोल्ट अप्लाई कर रही हूँ, और हमें पता है कि बाइनरी डेटा में हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. तो यहाँ पे मैंने अगर 1 अप्लाई किया है तो बाकी सबको मुझे 0 पे रखना पड़ेगा, है ना. एट अ टाइम ओनली 1 वोल्टेज विल बी एक्टिव.
तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब आप देखिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करनी है, ये 2R और ये 2R ये दोनों पैरेलल में है। जब दोनों सेम वैल्यू पैरेलल में होती है 2R 2R तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, R। ठीक है, 2R पैरेलल 2R आपको फॉर्मूला पता है, 1/2R + 1/2R = 2/2R, तो फाइनल आएगा हमारा आंसर 1/R। और उसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज़ R। फिर ये जो इसका इक्वेशन R आएगा, वो R और ये R ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2R। फिर से ये 2R और ये 2R ये पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि ये जीरो के साथ कनेक्टेड है और ये भी जीरो के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी फिर से पैरेलल में, तो 2R 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से R, फिर वो R इस R के साथ में ऐड करेंगे तो 2R, फिर से 2R 2R पैरेलल हो जाएंगे तो फिर से R, फिर से उस R को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2R, फिर अभी यहाँ पे ये जो R इक्विवेलेंट आया हमारा 2R ये आएगा यहाँ पे, और ये जो 2R है ये आएगा यहाँ पे, और ये E यानी ये यहाँ पे है, और इस 2R के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज किसके अक्रॉस अप्लाई किया है हमने, ये 2R के अक्रॉस, और हमें इसी के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो जो रेजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है उसको ऊपर रखा जाता है, यानी 2R upon 2R plus 2R into this E, है ना, ये अपना वोल्टेज मिलेगा हमको आउटपुट वोल्टेज। तो ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2R upon 2R plus 2R का मतलब 4R, तो 2RR कैंसिल हो जाएगा और 2/4 का मतलब 1/2 आ जाएगा, यानी फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा हमको, E/2 किसके लिए, D3 के लिए, यानी D3 पे अगर हमने वोल्टेज E अप्लाई किया तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है E/2। अब अगर मैंने इसको जीरो बना दिया D3 को और D2 को एक्टिवेट कर दिया तो मेरा इक्वेशन क्या बनना चाहिए, अगर ये E मैंने यहाँ पे अप्लाई किया अभी तो ये ज़ीरो करना पड़ेगा, एट ए टाइम सिर्फ एक ही हमारा ब्रांच एक्टिव हो सकता है, इसलिए उस E को मुझे यहाँ पे करना है, बाकी यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे E लूँगी, और तो इस तरीके से अगर हम हर बार पोजीशन E की चेंज करते हैं और नेक्स्ट वाले को ज़ीरो बनाते जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिला E/2, यहाँ पे मिलेगा E/4, यहाँ पे मिलेगा E/8 और यहाँ पे मिलेगा E/16। तो इन दिस वे इफ़ वी कैलकुलेट दिस आउटपुट तो हमें वी आउट जो मिलेगा दैट इज़ द सम ऑफ ऑल दिस आउटपुट्स। तो यहाँ पे मिला था E/2, यहाँ पे E/4, यहाँ पे E/8 और यहाँ पे E/16। और अगर हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, इसकी ब्रांचेस बढ़ाते जाएंगे, तो E/16 के बाद में E/32 आएगा, E/32 के बाद E/64 आएगा इन द पावर ऑफ 2। तो अब E को रिप्लेस किया जाता है D3। अब देखो पहला E/2 यहाँ पे आया था तो D3/2 हो जाएगा, D2/4 हो जाएगा, D1/8 हो जाएगा और D0/16 हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी डिजिटल वैल्यू आने दो, दैट इज़ 1010 आने दो, 1111 आने दो, तो ये चारों के जगह पे आपका जो भी बाइनरी बिट रहेगा वो वैल्यू रख के आप एनालॉग वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ R2R लैडर DAC, तो यहाँ पे R2R लैडर DAC में सबसे सिंपल चीज़ है कि जो भी नेटवर्क हम यूज़ करते हैं वो R और 2R के कॉम्बिनेशन से हैं, इसलिए एक्चुअल वैल्यू जो यूज़ होती है R की ये बहुत ही कम वैल्यू यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर रेशो है वो मेंटेन हो सके। उसके बाद में सेकेंड एडवांटेज है कि R2R लैडर नेटवर्क आर अवेलेबल इन मोनोलिथिक चिप, यानी एक ही चिप पे हमारा ये पूरा सर्किट बना हुआ हमको मिल सकता है, और दीज आर लेसर ट्रीम टू बी विद इन 0.01% ऑफ द डिज़ायर्ड रेशो, और बहुत जल्दी तरीके से हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। द स्टेयरकेस वोल्टेज इज मोर लाइकली टू बी मोनोटोनिक एज द इफेक्ट ऑफ द MSB रजिस्टर इज नॉट मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ LSB रजिस्टर। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि अगर हमने डिजिटल इनपुट्स में कुछ चेंजेस किए तो रिस्पेक्टिव हमारे एनालॉग जो वैल्यू हमारी आउटपुट वैल्यू आने वाली है उसमें भी उतना इंक्रीमेंट या उस लिहाज से उसमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन वेटेड रजिस्टर एंड R2R लैडर टाइप।
वेटेड रजिस्टर में क्या है, इट इज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन, आर टू आर में स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वेटेड रजिस्टर में वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स ले सकते हैं, लेकिन आर टू आर में हमको सिर्फ दो ही वैल्यूज़ लेनी है, एक आर और एक ट्वाइस ऑफ आर। वन रजिस्टर्स पर बिट आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे टू रजिस्टर पर बिट आर रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पे वेटेड में नॉट ईजी टू एक्सपांड फॉर मोर नंबर ऑफ बिट्स, बट इट इज़ ईजी टू एक्सपांड फॉर मोर नंबर ऑफ बिट्स। फिर ये जो एक स्पेशल आई सी है 080 है, दैट इज स्पेशली डिज़ाइंड एज अ डी ए सी आई सी, दैट इज़ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इस आई सी के कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हैं कि ये कितनी बिट की आई सी है, कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसके बाद में ये एक्सपेंसिव है या नहीं है, इसके बाद में इसका फुल स्केल करंट मैच कितना है, रिलेटिव एक्यूरेसी कितनी होती है, स्लीव रेट क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, दीज ऑल आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ 0808। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम इज कंसर्न। नेक्स्ट, दीज स्पेसिफिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द स्पेशल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ डी ए सी इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन ऑकर इन एन एनालॉग आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन डिजिटल इनपुट। यानी जैसे ही हमने डिजिटल इनपुट में चेंज किया, जो छोटे से छोटा चेंज आउटपुट में चेंज होता है यानी एनालॉग में दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। इसलिए रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, परसेंट रिजोल्यूशन इज इक्वल टू स्टेप साइज अपॉन फुल स्केल रीडिंग इनटू 100। तो ये हो जाएगा आपका रिजोल्यूशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था और हमें डिजायर्ड आउटपुट यानी मिला कितना है, उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज़ द एक्यूरेसी। इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। नेक्स्ट इज द मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में का मतलब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि कोई भी डी ए सी को मोनोटोनिक कब कहा जाता है, जब उसका आउटपुट इंक्रीज होता है, जब जब हम उसके इनपुट में चेंजेस करते हैं या इनपुट को इंक्रीमेंट करते हैं। इनपुट में इंक्रीमेंट किया तो आउटपुट में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसको कहा जाता है मोनोटोनिक। तो डी ए सी इज सेट टू बी मोनोटोनिक इफ इट्स आउटपुट इंक्रीजेस एज द बाइनरी इनपुट इज इंक्रीमेंटेड फ्रॉम वन वैल्यू टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज लिनियरिटी। लिनियरिटी का मतलब क्या है, जितना हमने इनपुट में चेंज किया है, अगर 5 से चेंज किया है तो 5 से ही आउटपुट में भी चेंज होना चाहिए। लिनियरिटी का मतलब जिस अमाउंट में हम इनपुट को चेंज करते हैं उसी अमाउंट में हमको आउटपुट में भी चेंज एक्सपेक्टेड है। तो लिनियरिटी मीन्स दैट इक्वल इंक्रीमेंट्स इन डिजिटल इनपुट ऑफ डी टू ए कन्वर्टर शुड रिजल्ट इन इक्वल इंक्रीमेंट इन एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए, जिस हिसाब से डिजिटल इनपुट चेंज हो रहा है उसी हिसाब से उसका एनालॉग इनपुट भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन लिनियरिटी है। नॉन लिनियरिटी का मतलब ये रैंडम वे में इनपुट आउटपुट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सी ओ पी ओ मैपिंग। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द सी ओ एंड पी ओस, सी ओ मीन्स कोर्स आउटकम। तो कोर्स आउटकम फॉर दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 5, इसलिए यूनिट नंबर 5 का जो कोर्स आउटकम है वही हमको बचे हुए पूरे 10 हमारे जो MSBT ने सजेस्ट किए हुए प्रोग्राम आउटकम से उनसे मैपिंग करना है कि वो उनको सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो दिस इज़ द मैपिंग, दैट इज़ कि PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 एंड PO10, ऑल दीज 8 POs आर सेटिस्फाइड बाई दिस CO5। नेक्स्ट द समरी। समरी का मतलब कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी केम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेटा कन्वर्टर, इट्स नीड एंड इट्स टाइप, हाउ टू डिज़ाइन आर टू आर डी ए सी एंड हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर टू आर। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस लेक्चर केयरफुली, एंड वील कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक विथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।